अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल रेसिपी लेकर आई हूँ सिंगापुरियन राइस की, और उसके साथ मैं बनाऊंगी एक सैलेड जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत हेल्थी बनती है। इस रेसिपी के दो तीन स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे और अपनी प्रिपरेशन पहले से करके रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप यह है कि मैं राइस को बॉईल कर लूंगी। यहाँ पे मैंने 2 कप लिए थे राइस के, और उसको मैं नमक डाल के सिंपली बॉईल कर लूंगी। और राइस को हमने फुल बॉईल नहीं करना, हाफ बॉईल करना है। बस इस तरह से हाफ बॉईल करना है, सॉफ्ट नहीं करना राइस को, और एक बाउल में डाल के रख देना है ताकि ये ठंडे हो जाए। इसके बाद मैंने स्पगेटी ले ली थी और 10 मिनट के लिए इनको बॉईल कर लिया था। हर स्पगेटी के पैकेट के ऊपर डिफरेंट टाइमिंग मेंशन होती है, आप देख लें कि आप कौन सी स्पगेटी यूज़ कर रही हैं और उसके ऊपर कितनी टाइमिंग है बॉइलिंग की। तो ये मैं इसको बॉईल कर लूँगी, और इसको भी हम एक सेपरेट बाउल में डाल के रख देंगे ठंडा होने के लिए। इस पानी में नमक डाल के आप इसको बॉईल कर लेंगे 10 मिनट के लिए। इससे ये अच्छे से बॉईल हो जाएंगी, और फिर आप इसको सेपरेट बाउल में निकाल के रख दें, और ऊपर थोड़ा सा ऑयल जरूर डालिएगा ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। अब यहाँ पर मैं चिकन को रेडी करूंगी, जिसके लिए मुझे चाहिए हैं 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के, और मेरे पास 1 kg बोनलेस चिकन है। आप चिकन को स्ट्रिप्स में भी बना सकते हैं और क्यूब्स में भी बना सकते हैं, मेरे पास क्यूब्स में है। तो इसको हम बना लेंगे ऑयल में। बेसिकली ये बहुत इजी डिश है, बस इसकी 3 से 4 स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने होते हैं, तो फिर आराम से बन जाती है। अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच सोया सॉस के ऐड करूंगी, और 1 चम्मच मैंने विनेगर का डाला है, और 1 चम्मच ही ब्लैक पेपर के डाल दिए मैंने, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है नमक का। तो इसको अच्छे से आप पका लेंगे, और उसके बाद इसको कवर करके रख दें और ताकि ये स्टीम में बन जाए। इस रेसिपी में हर चीज आपको अलग अलग बनानी होती है, चिकन भी अलग बनेगा और नूडल्स भी और राइस भी अलग अलग बनेंगे। इसमें बनेंगे राइस, जिसके लिए 2 से 3 चम्मच ऑयल के ले लिए हैं, और 2 गाजरें ले ली थी मैंने जिनको छोटा छोटा काट लिया था, और थोड़े से मटर ले लिए थे और थोड़े से स्वीट कॉर्न ले लिए थे। अब हम इसको पकाएंगे और इसमें चावल ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रख लिए थे, और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लूंगी। और वही चीज़ें डलेंगी जो कि चिकन में डली थी। सोया सॉस डालूंगी इसमें 2 चम्मच, थोड़ा सा विनेगर डालूंगी, और ब्लैक पेपर और सॉल्ट डलेगा इसमें, और फिर इसको अच्छे तरीके से हाई फ्लेम पे आपने पका लेना है। अब इन राइस को अलग बाउल में निकाल के कवर करके आपने माइक्रो में रख देना है ताकि ये गर्म ही रहे। अब इसका जो तीसरा स्टेप है वो नूडल्स का है, जिसमें मैं नूडल्स रेडी करूंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने 3 से 4 चम्मच ऑयल ले लिया था, और जिसमें मैंने एक प्याज, 3 तरह की बेल पेपर ले ली हैं, ग्रीन, येलो और रेड। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने भी 3 तरह की लेनी है, अगर 1 तरह की है तो आप ले लें उसमें। साथ साथ हम चिकन को भी देखेंगे, और इसमें भी अगेन वही चीज़ें डलेंगी, सोया सॉस 2 चम्मच, और 1 चम्मच इसमें जाएगा विनेगर का, और 1 टीस्पून जाएगी इसमें ब्लैक पेपर की, और थोड़ा सा नमक जाएगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपके।
अब इसमें नूडल्स डालकर अगेन आपने थोड़ा सा सोया सॉस ऐड करना है, थोड़ा सा सिरका और काली मिर्च और नमक थोड़ा थोड़ा सा डालना है और इसको अच्छे तरीके से आपने पका लेना है। लास्ट में इसमें एक चम्मच मैं केचप का ऐड करूंगी फ्लेवर के लिए। और फिर ये रेडी हो चुका है, तो इसको हम साइड पे कर देंगे। और चिकन हमारा गल गया है, लेकिन इसको फाइनल लुक देने के लिए इसमें मैं डालूंगी हाफ कप इसमें केचप, और 2 से 3 चम्मच मैं डालूंगी इसमें चिली सॉस के, चिली गार्लिक सॉस के। आपके पास कोई सी भी सॉस है आप डाल सकते हैं, और इसको बस अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका लिक्विड जो है वो थोड़ा सा रहना चाहिए गार्निशिंग के लिए। तो ये रेडी हो गया है चिकन। यहाँ पे मैंने 4 से 5 जवे लहसुन के ले लिए हैं, जिसको मैं चिप्स की तरह काट लूंगी। ये गार्निशिंग के लिए मैं बना रही हूँ। इसको मैं फ्राई करूंगी पैन में और इसको अलग से रख लूंगी। इसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और इसको मैं फ्राई करूंगी। इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है और इसको कंटिन्यूसली आपने हिलाना है ताकि ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो ये एक तरफ से वाइट रह जाएगा और एक तरफ से ये रेड हो जाएगा। ये इस तरीके से हम मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और इसका कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस लाइट ब्राउन सा करना है। और उसके बाद हम इसको एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है राइस में, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्योंकि जब हम इसको राइस के साथ खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बिल्कुल डिफरेंट। ऐसे लगता नहीं है कि जैसे ये गार्लिक है, तो इसके जो इसकी रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे मैं एक सॉस रेडी कर रही हूँ गार्निशिंग के लिए। यहाँ पे मैंने 4 to 5 टेबल स्पून मेयोनीज के ले लिए हैं, और 3 to 4 टेबल स्पून यहाँ पे मैं लूंगी केचप के, और 1 चम्मच मैं लूंगी इसमें चिली सॉस के, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये सब प्रिपरेशन आपने पहले से करके रखनी है, ताकि जब आप राइस के ऊपर गार्निशिंग करें, डेकोरेशन करें, तो वो आपके लिए इजी हो जाए। सबसे पहले हम राइस डालेंगे अपने प्लेटर में, और इसके मिडल में मैं थोड़ी सी स्पेस बना लूंगी इस तरीके से। और इसके बाद इसमें हम अपनी स्पेगेटी डालेंगे, नूडल्स डालेंगे जो कि हमने वेजिटेबल के साथ रेडी की थी। और उसके ऊपर मैं डाल दूंगी चिकन। अब इसमें ये सारा चिकन डल जाएगा। और एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूं कि राइस और चिकन आप एक दिन पहले भी बॉईल करके रख सकते हैं, इस तरह ज़रा इजी हो जाएगा आपके लिए। आप ये जो सॉस मैंने बनाई थी वो गार्निश कर दें ऊपर अच्छे तरीके से। इस तरह से, और फिर ये जो गार्लिक हमने फ्राई किया था उसको आप ऊपर डाल दें। उसके बाद लास्ट में ये स्प्रिंग ऑनियन आप इसके ऊपर गार्निश कर दें। थोड़े से फ्राइज के साथ डेकोरेट कर दिया था मैंने, ये ऑप्शनल है, मैंने अपने बच्चों के लिए रखे थे क्योंकि जरा बच्चों को अट्रैक्टफुल लगते हैं। तो ये आपकी चॉइस है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख दें, मैंने अपने बच्चों के लिए डेकोरेट कर दिए थे। यहाँ पे मैं एक सैलेड रेडी कर रही हूँ, जो कि बहुत मजे की बनती है, बहुत फ्लेवरफुल होती है, जिसमें मैं डाल रही हूँ हाफ क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी, और एक टोमेटो ले लिया है उसको भी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूंगी।
सैलेड्स को अपनी डाइट में ज़रूर रखें क्योंकि ये एक पूरा मील होता है। अगर आप और कुछ नहीं खा रहे तो आप सैलेड को ज़रूर खाएं। सलाद के पत्ते ले लिए हैं मैंने और एक अवोकेडो ले लिया था। वैसे पाकिस्तान में तो मेरा ख्याल से अवोकेडो मिलता नहीं है, यहाँ पे मिलता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो अवोकेडो आपने डालना है। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं इसको। मैं वैसे अपने सैलेड में ये ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है। और पुदीना भी मैं अपनी सैलेड में ज़रूर डालती हूँ क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये हेल्दी भी बहुत होता है क्योंकि बच्चे वैसे तो खाते नहीं हैं, तो अगर सैलेड में डाल दिया जाए तो फिर खाया जाता है। इसके साथ ही मैंने स्वीट कॉर्न ऐड कर दी हैं और इसकी ड्रेसिंग के लिए 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑलिव ऑयल के लिए हैं और हाफ लेमन लिया था मैंने। यहाँ पे लेमन थोड़े बड़े होते हैं इसलिए हाफ ही काफ़ी होता है, पाकिस्तान में आप पूरा लेमन भी डाल सकते हैं। और इसमें मैंने ये डाल दिए थे इटालियन हर्ब्स और ओरिगैनो 1/2 टेबल स्पून और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च डाल दी थी इसमें फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और बस इसको मिक्स करके मैं इसको सैलेड में ऐड कर दूँगी और मिक्स कर दूँगी। ये मेरे पास अनार था तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया था, तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो ये ज़रूर डालें क्योंकि ये बहुत मज़े का इसका फ्लेवर था। तो अनार के फ़ायदे का तो आपको पता है कि ये कितना ज़्यादा हेल्थी होता है, और जब हम इसको सैलेड में डाल देते हैं तो और ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। तो ये थी रेसिपी आज की, होपफुली आपको पसंद आएगी और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये कैसी लगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।